सॉल्यूशंस चैप्टर टू ऑफ द एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज होती है इसकी, ना सिर्फ बोर्ड में बट जेई और नीट के अंदर भी। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से स्टूडेंट इसे मानते हैं बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज़्यादा हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न दिस एंटायर चैप्टर इन वन गो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर अ वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम, क्योंकि सारे चैप्टर्स की वीडियो आने वाली है और बोर्ड और जेई के और नीट के तो डेट्स भी आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशंस, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं क्या, तो देखिए सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। कैसे मिक्सचर्स? होमोजेनियस मिक्सचर्स। कोई आपसे बोले क्या सॉल्यूशंस हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं, उनको सॉल्यूशंस तब ही बोला जाएगा अगर वो होमोजीनियस है तो, ठीक है। सॉल्यूशंस में फिर होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या है भाई? तो बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू कॉम्पोनेंट्स। ये टू कॉम्पोनेंट्स क्या है? इन टू कॉम्पोनेंट में से एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है भाई? वो जो लेस अमाउंट में है, पता ही है आपको। तो सॉल्वेंट कौन है? वो जो लार्जर अमाउंट में है, डेफिनेटली। अच्छा, क्या सॉल्यूशंस हमेशा लिक्विड ही होंगे? नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उसको सिर्फ होमोजीनियस होना है। जैसे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ सॉल्यूशन। एलॉय 22 कैरेट गोल्ड एलॉय सॉलिड है लेकिन क्योंकि होमोजीनियस है इट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। शुगर इन वाटर क्योंकि होमोजीनियस है इट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉलिड लिक्विड गैस कैसा भी हो सकता है सॉल्यूशन, बस उसको होमोजीनियस मिक्सचर होना जरूरी है। क्या इसमें से एग्जाम में कुछ आएगा? नहीं, इसमें से आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक है आपका मास परसेंटेज, दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ इज मोलैरिटी, देन कम्स मोलैलिटी, देन कम्स मोल फ्रैक्शन। एक एक करके बात करें इनकी, चलिए करते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एंटायर सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज का भी सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पीपीएम क्या है? पीपीएम भी यही है सेम, बस हम 100 की जगह 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन इज पार्ट इज नॉट अ वर्ड, इट कुड बी मास पर मिलियन, इट कैन बी वॉल्यूम पर मिलियन। तो अगर मास पर मिलियन है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। वॉल्यूम पर मिलियन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। इसकी जरूरत कब पड़ती है? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल जब पॉल्यूशन की बात करते हैं देन वी यूज इट, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के साथ समझिए। लेट्स से कोई आपसे बोले कि उसके पास में है 10% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। 10% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम का मतलब है आप लेट करेंगे, लेट द सॉल्यूशन इज 100 ml। तो इसमें जो आपका सॉल्यूट होगा वो होगा 10 ml।
और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, 90 ml. दैट्स इट, करेंगे अभी न्यूमेरिकल. अच्छा, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपिटल M यूनिट होती है जी मोल पर लीटर. फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दैट्स इट. मोलैलिटी क्या है फिर? मोलैलिटी है स्मॉल m, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी. फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना है सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, इन केजी. ठीक है, इसके अलावा अगला आता है आपका मोल फ्रैक्शन. देखिए, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस बिकॉज इट इज फ्रैक्शन, सिंबल इज एक्स और काय, एक्स बोलेंगे. चलो लेट्स से टू कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी. ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं एन ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं एन बी. तो पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. एंड सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज 1. फॉर्मूले थे खाली, आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करें. क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम. ये तो बहुत अच्छा सवाल है यार, अभी करते हैं, रुकिए. देखिए, देखो आप फिर से वही करिए. लेट द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो इसमें इथाइलीन ग्लाइकॉल कितना होगा? 20% है ना, तो 20 ग्राम. और वाटर कितना होगा? बचा हुआ 80 ग्राम. आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. क्या आप मुझे इथाइलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास बता सकते हैं क्या? दो कार्बन तो 24 प्लस 6 प्लस 32, 62. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल आर 20 बाय 62, विच कम्स आउट टू बी 0.32. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर 80 बाय 18, विच इज 4.44. आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, मैं लिख दूं यहाँ पे 20 अपॉन 62, और ये आपने किया 80 अपॉन 18. तो भाई जो मोल फ्रैक्शन आएगा इथाइलीन ग्लाइकॉल का, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, विच इज 0.32 बाय 4.76. विच कम्स आउट टू बी 0.067. ठीक है, डन. नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH. NaOH कितना है? 5 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे देन 5 बाय 40. ठीक है, डन. कितना आएगा भाई? 5 बाय 40 इज 0.125. सॉल्यूशन कितना है भाई? 450 ml. लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 लीटर. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.125 हेयर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.45.
विच कम्स आउट टू बी 0.28 मोल पर लीटर. अच्छा ओके फाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी. सी सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सबको पता ही है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स. तो देखिए आपको बात करनी पड़ेगी. द फर्स्ट वैसे पहला तो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सिनेरियो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये तो बेकार है. मेन आता है उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है यहां से जस्ट बात पलट जाते हैं टॉपिक के. जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे और ये है मेन इंपॉर्टेंट. यहाँ से हिसाब किताब शुरू हो रहा है. तो देखिए जनरली हमने ये सुना है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बट ऐसा नहीं है. डिपेंड्स. दो पार्ट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. दोनों के लिए हिसाब किताब अलग है. देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. जब भी हम एक गैस को पानी में डिजोल्व करते हैं ना हीट रिलीज होती है. दैट्स वाई द सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा Why aquatic species are more comfortable in cold water? Because cold water has more amount of dissolved oxygen inside it. जितना ज़्यादा temperature बढ़ेगा gases की solubility उतनी कम हो जाएगी. जब liquids and solids की बात करेंगे then it depends. If the process of dissolution is exothermic, if it is exothermic, तब तो solubility is directly proportional to temperature. But if it is endothermic, then solubility will be, उल्टा कर दिया मैंने. If it is exothermic, then solubility will be inversely proportional to temperature. And if it is endothermic, then directly proportional to temperature. For example, जब हम NaOH को पानी में डालते हैं तो heat release होती है. It's an exothermic process. तो उस case में solubility will be more in cold water. Solubility will be inversely proportional to temperature. ठीक है. ये है याद रखिएगा. ज़रूरी है. सॉल्युबिलिटी का कोई फिक्स रूल नहीं है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इट डिपेंड्स कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इसके अंदर आएगा हेनरीज लॉ. देखिए फिर से वही फिनोमिना है वही सिचुएशन है. इफ वी आर डिसॉल्विंग फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड द प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट. पूछा जाता है व्हाई चेंज इन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो उसका आंसर है नाइदर सॉलिड्स नॉर लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल. दे बोथ आर इनकंप्रेसिबल. दैट इज व्हाई देयर सॉल्युबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर. लेकिन जब भी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की तब एक इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आएगी. एंड दैट इंटरेस्टिंग सी चीज इज हेनरीज लॉ. व्हाट डज द लॉ से. लॉ सेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. एंड हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया. तो ही सेड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन.
और प्रेशर इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स. वॉट इज के एच? हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट और हेनरीज कॉन्स्टेंट. सिंपल सी बात, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट और सिंपली हेनरीज कॉन्स्टेंट. ठीक. अच्छा, लेट्स से दो गैसेज हैं ए और बी. एक का हेनरीज कॉन्स्टेंट है 5, दूसरे का है 10. देन लेट मी टेल यू, ए विल बी मोर सॉल्युबल. रीजन, बिकॉज इफ यू रीअरेंज यू विल फाइंड दैट हेनरीज कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. हेनरीज कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी. इसके ऊपर न्यूमेरिकल है क्या? आपके सामने ही है एक न्यूमेरिकल. व्हाट डज इट से? H2S is a toxic gas with सड़े हुए अंडे जैसे स्मेल. हमें कोई मतलब नहीं है. इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस. बहुत बढ़िया. इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज 0.195 मोलल. देखो मतलब हमें मोलैलिटी गिवन है. कितनी गिवन है? 0.195 मोल पर केजी. देखिए सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा. इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है H2S उसके हैं 0.195 मोल और जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर वो है 1 kg. 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन 18, 55.55 मोल है उसके. मोल फ्रैक्शन अपना निकल गया 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55. यू गॉट द मोल फ्रैक्शन. आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट. पी इक्वल्स टू के एच इनटू एक्स. मोल फ्रैक्शन वी ऑलरेडी नो, ये वैल्यू यहां डाल देंगे. के एच हमें फाइंड आउट करना है. प्रेशर क्या होगा? What will be the pressure? देखिए STP given है, आप ले लो 1 atm. 1 bar कुछ लोग ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1.013 bar is 1 atm. दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा. यू टेक 1 atm, यू विल गेट योर आंसर. दैट्स इट. फिर आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. देखिए हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस हैं. सबसे पहला, जब भी लोग पहाड़ों पर जाते हैं ना क्लाइंबर्स, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं. बिकॉज एटमॉस्फेयर में और हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, तो गैसेस हमारे ब्लड में कम डिजॉल्व होती है. ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों, वहाँ पे लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकती है कॉल्ड एनोक्सिया, डिफिकल्ट टू ब्रीथ. उसको अवॉइड करने के लिए दे कैरी द ऑक्सीजन टैंक्स. ठीक है, उसके अलावा जो स्कूबा डाइवर है जो अंडर वाटर जाते हैं, वहाँ दूसरी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो जाएगी. ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो जाएगी तो जनरली जो ऑक्सीजन का टैंक होता है ना, उसमें उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है. ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व होगी, नो प्रॉब्लम. ज़्यादा नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा ब्लड में. और वापस आते टाइम वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जब रिलीज होगी तो ब्लॉक हो सकती है. सिचुएशन इज कॉल्ड बेंड. डेथ हो सकती है स्कूबा डाइवर की. उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके टैंक में हीलियम गैस डाल देंगे. उससे क्या होगा? प्रेशर डिवाइड हो जाएगा. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तीनों आपस में प्रेशर डिवाइड कर लेंगे. तीनों का प्रेशर कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर. जब पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तीनों की सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड कम हो जाएगी. इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हैं टू कंट्रोल दी सॉल्युबिलिटी. सब हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है, एग्जाम में पूछी जाती हैं. इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा, बहुत इजी है. एंड टेल मी दी आंसर इन कमेंट सेक्शन. अगर गलत होगा आई लेट यू नो. सॉल्यूशन, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. ये वेपर प्रेशर क्या है? देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ. एक लिक्विड है, उस लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वेपर सरफेस पे, बाकी बल्क में है. सरफेस वाले मॉलिक्यूल कहाँ गए? वेपर फेज में चले गए. और जब वेपर फेज में चले गए तो वहाँ वो कोलाइड कर रहे हैं किससे? एक दूसरे से. दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर, दे आर कोलाइडिंग विद द लिक्विड सरफेस इटसेल्फ. एंड व्हेन दे आर कोलाइडिंग दे आर क्रिएटिंग सम प्रेशर व्हिच इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. सीधी सी बात, दैट्स इट.
Now this vapor pressure is directly proportional to temperature, which makes a sense. जितना ज़्यादा temperature होगा उतने ज़्यादा molecule vapor phase में जाएंगे, उतना ज़्यादा pressure create करेंगे. Problem क्या है फिर? Problem ये है कि अगर आपने let's say दो एक liquid A लिया, ठीक है, तो उसके जो vapors होंगे उसमें भी खाली liquid A ही होंगे, मतलब A के ही molecule होंगे, और जो प्रेशर होगा उसको पी नॉट ए बोलेंगे. आपने एक और कंटेनर लिया जिसमें लिया आपने लिक्विड बी, तो उसके जो वेपर्स होंगे उसमें भी खाली लिक्विड बी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट ए, पी नॉट बी. पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी. अब आपने एक कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी को, तो भैया अब जो वेपर बनेंगे उसमें भी दोनों होंगे, कुछ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ बी का मॉलिक्यूल होगा, और उसमें जो ए का प्रेशर होगा उसको पी ए बोला जाएगा, जो बी का प्रेशर होगा उसको पी बी बोला जाएगा. तो आपको आई होप पी ए और पी नॉट ए में अंतर समझ में आ गया हो. पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, and PA is vapor pressure of the A when it is dissolved or it is mixed with something else also. एक इंसान आए जिनका नाम था Rault, which is called and he has given a law called Rault's law. उन्होंने बोला जो PA होगा that will be equals to P not A into mole fraction of A. ये mole fraction क्या है? ये वाला mole fraction. कि भैया A के क्या mole fraction? What is mole fraction of A in the solution? और पी बी क्या होगा? वो होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी. दैट्स इट. डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर दिया जाए विच सेज पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस सॉरी पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, तो ये आ जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, which is P not A 1 minus mole fraction of B. You can like simplify it as much as you want. Rault's law. Henry's law कब लगाना है? Rault's law कब लगाना है? दोनों pressure की ही बात कर रहे हैं. Henry's law तब apply करते हैं when the solute is a gas. Rault's law तब apply करते हैं when the solute is a liquid. और solid. ठीक है. Rault's law. अच्छा. आपके सामने अच्छा एक चीज़ और है, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि लिक्विड में ए और बी दोनों होंगे, वेपर फेज में भी ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे. लिक्विड फेज में जो आपने मोल फ्रैक्शन निकाला ना, वो तो आपने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना. वेपर फेज ना, वेपर इज ऑल्सो मिक्सचर, तो वहां पर भी तो कुछ मोल फ्रैक्शन होगा. उसका फॉर्मूला होगा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. व्हाट दे आर सेइंग, क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोइथेन है. ठीक है, दोनों के लेट से मैं क्लोरोफॉर्म को ए मान लेता हूँ, डाइक्लोरोइथेन को बी मान लेता हूँ, एंड गिव मी अ सेकेंड. तो भाई जो ए का मोलर मास आएगा, ए मैंने क्लोरोफॉर्म को माना है, वो है 119.5 ग्राम पर मोल, और जो बी का मोलर मास है वो है, निकालना पड़ेगा यार, जरूरत पड़ेगी हमें, पड़ेगी, जो बी का मोलर मास है वो है 85 ग्राम पर मोल. करना क्या है हमें? लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग, कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के वो कितने हो गए. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सिंग 25.5 ग्राम दे रखा है, इसको डिवाइड करना है हमें 119.5 से, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.213 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो आ जाएंगे वो आ जाएगा अपना कितना, 40 ग्राम. 40 डिवाइडेड बाय बताइए 85, 0.47, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके.
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड. अच्छा तो पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है 0.47 बाय 0.213 प्लस 0.47. ये आ रहा है आपका 0.69 अप्रॉक्सीमेटली. पी नॉट ए की वैल्यू कितनी गिवन थी, पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है क्लोरोफॉर्म की है 200, 1 माइनस 0.69, पी नॉट बी है 415 इंटू 0.69. इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा करीब करीब 347.9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. गुड. सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द वेपर फेस. देखिए इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले पी ए की. पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विच इज 0.31 इंटू 200. जो सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा वो कितना होगा, वो है अपना 0.69 इंटू 415. और पी टोटल हमारे सामने है तो भैया जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दी वेपर फेज हो जाएगा ना वो हो जाएगा 0.31 इंटू 200 अपॉन 347.9. इन द सेम वे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 0.69 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 347.9 बिकॉज मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इज पी अपॉन पी टोटल. दैट्स इट. Ideal and non-ideal solutions. Yeah, ideal solutions are those which follow Raoult's law. Non-ideal solutions are those which do not follow Raoult's law. दोनों के features क्या हैं, देखो पहला difference तो हो गया, जो Raoult's law को follow करें वो ideal, जो follow ना करें वो non-ideal. आइडियल में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो. मतलब अगर आपने 5 ml और 5 ml ऐड किया है तो 10 ml ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. नॉन आइडियल में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो. ठीक है. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो इन आइडियल सॉल्यूशन. हीट इज नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब्ड व्हेन दे आर मिक्स्ड. यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट जीरो. या तो एंडोथर्मिक होएगा या एक्सोथर्मिक. सबसे इंपॉर्टेंट, ए ए बी बी इज सेम एज ए बी. ये क्या मतलब हुआ, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, दे ऑल आर सेम. फॉर एग्जांपल हेक्सेन और हेप्टेन, आप अगर इनको मिक्स करो तो हेक्सेन के मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल सॉरी वेंडरवॉल फोर्सेस, हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस, आपस में मिक्स कर दो अगेन वेंडरवॉल फोर्सेस, दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस. यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली ए ए एंड बी बी इंटरैक्शंस आर नॉट सेम एज ए बी इंटरैक्शंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दे डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ. मतलब जो उनका वेपर प्रेशर होता है ना वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था यूजिंग रॉल्ट्स लॉ उससे ज़्यादा या उससे कम आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा. अगर ज़्यादा आया, जितना हमने सोचा था रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और अगर उससे कम आ रहा है तो विल से सॉल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन के लिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज मोर देन ज़ीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो मोर देन ज़ीरो, एंड ए ए फोर्सेज
बीबी फोर्सेस वर स्ट्रॉन्गर देन द न्यू एबी फोर्सेस. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, ए इंटरैक्शंस बी बी इंटरैक्शंस आर वीकर एंड न्यू ए बी इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं. ये एक क्वेश्चन है, आइए इसकी बात करते हैं. The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm of Hg. ठीक है, P not A जो है वो 450 है, P not B जो है वो 700 है. क्या करें फिर? Find out the composition of the mixture. वाला आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है. अरे बहुत आसान है यार. और टोटल प्रेशर गिवन है 700. फिर से वही लगाना है, P total equals to P not A 1 minus मोल फ्रैक्शन ऑफ B plus P not B into mole fraction of B. Total की value है 600, P not A है आपका 450, P not B है आपका 700. आप solve कर लोगे, जब solve कर लोगे तब आपको mole XB की value मिल जाएगी. फिर आप XA निकाल दोगे 1 minus XB करके, कोई दिक्कत नहीं है. They are easy, same, कोई tension की बात नहीं है, हो जाएगा आसानी से. अच्छा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ देख लीजिए. आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ ऐसा होता है. दिस इज पी टोटल, ये है वेपर प्रेशर, यहाँ पे ए इज जीरो, बी इज वन, यहाँ पे ए इज वन, बी इज जीरो. आप अदर वे अराउंड लिख सकते हैं. ये पी नॉट बी है, ये पी नॉट ए है, कोई टेंशन नहीं है. ये होगा आइडियल का ग्राफ. नॉन आइडियल में जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका ग्राफ होगा इस आइडियल लाइन से नीचे की तरफ, और जो पॉजिटिव डेविएशन है उनका ग्राफ होगा इस आइडियल लाइन से ऊपर की तरफ. कई बार पूछ लिया जाता है What are the graphs for positive deviation and negative deviation? I hope ये clear है. अच्छा, एक और शब्द आता है, What are azeotropes? सबसे पहली बात, azeotropes are non-ideal solutions. ठीक है, उसमें जो positive deviation वाले होते हैं उनको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले एजियोट्रोप्स होंगे उनको बोला जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. ठीक है, इसके अलावा दे आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स मतलब जनरली एक मिक्सचर में क्या होता है ना, सारे कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं. एजियोट्रोप्स के सारे कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे. दे आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स एंड दैट इज वाई देयर कॉम्पोनेंट्स कैन नेवर बी सेपरेटेड यूजिंग वेरी एडवांस्ड फ्रैक्शनल टेक्नोलॉजी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 68% HNO3 सॉल्यूशन. ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज हुज वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स and not on their nature. That's it. पहला सवाल, what are colligative properties? दूसरा सवाल, how many colligative properties are there? तो पहली colligative property होती है relative lowering of vapor
प्रेशर. क्या आपको डिराइव करना है? बिल्कुल नहीं आने वाला एग्जाम में डिराइव करने के लिए. बस याद रखिएगा फॉर्मूला, ये रॉल्स लॉ से ही डिराइव हुए हैं सारे के सारे. पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन. पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दी सल्यूशन. ठीक है. अच्छा, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी. देखो बात यह है कि जब भी ना हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब भी हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. क्योंकि आप अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो देखो सरफेस का कुछ एरिया तो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जब वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे तो वो तो वेपर में जाएंगे नहीं. तो जितने मॉलिक्यूल्स पहले सॉल्वेंट के वेपर में जा रहे होते थे अब उससे कम हो जाएंगे. वो कितने कम हो जाएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अगला आपका है, देखो जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. रीजन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी. और डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000. डब्ल्यू मतलब वेट, एम मतलब मोलर मास. और जब बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा. डेल्टा टी एफ इसका फॉर्मूला है के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000. डेल्टा टी बी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. के बी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट. के एफ इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट. और एक लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी वेयर सी इज मोलैरिटी. क्या इस पर कोई न्यूमेरिकल? हाँ, आइए करते हैं ये क्वेश्चन करके देखते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी पी नॉट ऑफ बी, बी स्टैंड्स फॉर बेंजीन इज 0.850. अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका वेट है 0.5 ग्राम इज एडेड. तो एक काम करते हैं, बेंजीन को ना ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सही रहेगा, आसान रहेगा. ठीक है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला यानी जिसका वेट गिवन है, यानी कि डब्ल्यू बी गिवन है कितना 0.5 ग्राम. उसका मोलर मास गिवन है कितना? नहीं गिवन, हमें निकालना है मोलर मास किसका. वेट ऑफ बेंजीन गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन है 39 ग्राम. मोलर मास ऑफ बेंजीन हमें पहले से पता है, इट इज C6H6, तो 78 ग्राम पर मोल. ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए. या रुकिए और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें सिर्फ पुट करके एक ये वैल्यू निकालनी है एम ए की, कितनी आएगी. ऑल अदर वैल्यूज आर गिवन टू अस. क्या हमें पी ए गिवन है? यस, पी ए भी गिवन है 0.845 बार. सब गिवन है, सब कुछ गिवन है.
इस तरीके से हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 35.5, और जब इसमें कुछ डाल दिया गया तो इंक्रीज होके हो गया इतना। तो इंक्रीज कितना हुआ भैया, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला 354.11 माइनस 353.23, दिस इज द डिफरेंस। दे हैव गिवन अस के बी ऑल्सो 2.53, के बी भी गिवन है। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। एम बी कौन है भाई, बेंजीन है। कितना बेंजीन है, 90 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल। कितना सॉल्यूट ऐड किया था, 1.80 ग्राम। के बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.53। डेल्टा टी बी कितना है, अभी निकाल दिया। तो कैलकुलेट क्या करना था भाई हमें, सब तो गिवन है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, सॉरी माय मिस्टेक। एम बी नहीं गिवन, एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना है। कुछ करेक्शंस हैं, लेट मी करेक्ट हियर, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दोबारा से करेंगे। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। देखिए डब्ल्यू ए कितना गिवन है, वेट ऑफ बेंजीन गिवन है 90। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, सॉल्यूट गिवन है 1.8 ग्राम। के बी गिवन है 2.53। डेल्टा टी बी हमने निकाल दिया, बस पुट करना है और हम एम बी की वैल्यू निकाल देंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो गया। गुड। एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो एक ना कॉन्सेप्ट आया वेंटहॉफ फैक्टर का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ना मेन काम था सब्सटेंस का मोलर मास निकालना। जैसे आपने देखा इस न्यूमेरिकल में हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, इसके पहले भी हमने मोलर मास ही निकाला था। ठीक है, तो होता क्या है, लेट से मैंने NaCl पानी के अंदर डाला और जाकर के वो डिसोशिएट हो गया, तो मैंने एक मोल डाला बट एक्चुअली मैं अंदर जाकर के वो दो मोल हो गए, तो इससे ना जो रीडिंग्स आएंगी, जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा मोलर मास का, वो गड़बड़ आएगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए एक फैक्टर आया कॉल्ड वेंटहॉफ फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर बिफोर डिसोसिएशन। जैसे NaCl पानी में जाकर के दो पार्टिकल में डिसॉल्व हो गया, इनिशियली कितना लिया था हमने 1, तो इसका वेंटहॉफ फैक्टर हो गया 2। MgCl2 है हमारे पास में, ये वाटर में जाकर के Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो इसका वेंटहॉफ फैक्टर कितना हो जाएगा, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 3 बाय, इनिशियली हमने लिया था 1, इसका वेंटहॉफ फैक्टर आ गया 3। हमारे पास में K2SO4 है, ये बोर्ड में आया हुआ है, इट डिसोशिएट्स टू गिव K2 पोटेशियम आयन, 1 सल्फेट आयन, कितने आयन, 3 आयन, इनिशियली कितने लिए थे 1, तो वेंटहॉफ फैक्टर हो गया 3/1। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसोसिएशन बट असोसिएशन ऑल्सो। लेट से आपने 10 ए के पार्टिकल लिए थे जो पानी में जा कर के जुड़ गए, 10 पार्टिकल आपस में जुड़ गए, तो वेंटहॉफ फैक्टर कितना हो गया, फाइनल 1, इनिशियल 10, 1/10। सो मतलब डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन जो वेंटहॉफ फैक्टर है दैट इज मोर देन 1, फॉर असोसिएशन जो वेंटहॉफ फैक्टर है दैट इज लेस देन 1, कुछ नहीं हो रहा है तो 1। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो आपने देख के बता दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक में क्या होगा, लेट से ये एसिटिक एसिड है, इट डिसोशिएट्स टू गिव
CH3COO negative plus H positive. आप यहाँ Wenthoff factor 2/1 नहीं लिख सकते because complete dissociation नहीं हो रहा है. तो यहाँ आप क्या करेंगे, formula note कर लीजिए. Dissociation के लिए Wenthoff factor होगा 1 plus alpha. Where alpha is, हमें पहले से पता है degree of dissociation. तो Wenthoff factor निकालने के लिए they will be giving us degree of dissociation. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर के ए बाई सी इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वेयर के ए इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब यही अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो अल्फा की वैल्यू 1 होती और वेंटोफ फैक्टर 2 हो जाता. अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ये तो है डिसोसिएशन के लिए. एसोसिएशन के लिए क्या करें, एसोसिएशन के लिए वेंटोफ फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2. ठीक है, Wenthoff factor का करना क्या है, तो Wenthoff factor को ना ये abnormal molar mass को normal बनाने के लिए आपको यहाँ लगा देना है अपनी सारी colligative properties के formula के आगे. That's it. Pi is equal to ICRT. अच्छा, osmotic pressure होता क्या है, इट इज़ दी एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, दैट्स इट. अब अगर मैं उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूँ तो व्हेन दी एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तब क्या होगा, तब आर ओ हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी. अच्छा, टू सोल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अगर बराबर नहीं है तो ज्यादा वाले को बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और कम वाले को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन और पानी हमेशा hypertonic to hypotonic की तरफ flow करता है. I hope this was clear to you. It was a quick revision for your board exam. Detail में कुछ off-topic जानना है और detail में और क्यों नहीं मैच करना है, you can always comment you can always mention this in the comment section. इस chapter को हमने एक playlist में detail में भी cover किया. This was the quick revision for your board exam. Thanks for watching. Stay tuned.